दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम इजी पैसा से अपनी गाड़ी का टोकन टैक्स कैसे पे कर सकते हैं, वो भी घर बैठकर। टोकन टैक्स गाड़ी का पे करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है PSI कोड की। यह नंबर 17 नंबर का कोड होता है। इस कोड को हासिल करने के लिए हम एक वेबसाइट पर जाएंगे जिसका नाम है epay.punjab.gov.pk। हम इस साइट को ओपन कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि इस साइट पर हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा और अगर इस तरफ आप देखें तो हमें एक लॉगिन की ऑप्शन मिल रही है। अगर आपका इस साइट पे ऑलरेडी लॉगिन आईडी बना हुआ है तो आप सिंपल यहां पर लॉगिन करेंगे। अगर नहीं बना तो हम रजिस्टर पर जाएंगे। सबसे पहले हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो मैं यहां पर रजिस्टर पर क्लिक करता हूं। यहां पर सबसे पहले हम अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद हम अपना नाम यहां पर टाइप करेंगे। नीचे हम NISI नंबर पुट करेंगे और NISI नंबर जो है वो विदाउट डैश होना चाहिए, उसमें डैश नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास ईमेल एड्रेस है तो वो भी आप यहां पर एंटर कर दें। इसके बाद आप कोई भी पासवर्ड जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर हम अपना एंटर करेंगे पासवर्ड को और कंफर्म पासवर्ड में अगेन हम रिपीट करेंगे पासवर्ड को। नीचे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं टर्म एंड कंडीशन को और उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट इस पर भी चेक कर लेंगे। इसके बाद नीचे हमें ऑप्शन मिलेगी रजिस्टर्ड की, रजिस्टर पर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा अकाउंट जो है वो रजिस्टर्ड हो चुका है। इसके बाद हमें OTP मैसेज आएगा हमारे मोबाइल पर, वो OTP हमने यहां पर पुट करना है और सिंपल वेरीफाई कर देंगे। हम सक्सेसफुली जो है वो लॉगिन हो चुके हैं इस साइट पर। तो आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट का कुछ इस तरह का पेज होगा, इस तरह का इंटरफेस होगा और यहां पर लेफ्ट साइड में होम के नीचे आपको ऑप्शन मिलेगी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट। हम इसको ओपन करेंगे और इसके नीचे हमें ऑप्शन मिलेगी पहले नंबर पर टोकन टैक्स। हम टोकन टैक्स पे यहां पे क्लिक कर लेंगे। यहां पर हमें राइट साइड पे ऑप्शन दे रहा है प्लीज एंटर द रजिस्ट्रेशन नंबर और नीचे हमें सर्च बार में अपने गाड़ी का नंबर एंटर करना है। सिंपल हम यहां पर गाड़ी का सर्च बार में अपनी गाड़ी का नंबर एंटर करेंगे और गाड़ी का जैसे एंटर करके हम सर्च करेंगे तो आप देखें कि हमें व्हीकल की जो हमारी गाड़ी की डिटेल है वो यहां पर साइड में ओपन हो जाएगी। गाड़ी का नंबर, उसका मॉडल नंबर और किसके नाम पे है, उसके ओनर का नाम और नीचे कितना टैक्स हमें पे करना है वो अमाउंट भी दे देगा। सबसे नीचे देखें तो हमें जनरेट चलान की ऑप्शन मिल रही है, तो यहां पर हम जनरेट चलान करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमें PSID नंबर मिल गया है, 17 नंबर का कोड, जो कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि इजी पैसा में पेमेंट करने के लिए हमें ये कोड की जरूरत होती है। तो हमारा ये कोड मिल गया है। नीचे हमें अमाउंट भी मिल रही है कि 1530 टोकन टैक्स हमने पे करना है। उसके नीचे एक्सपायरी डेट है। ये जो कोड है PSID कोड नंबर, ये 24 घंटे का होता है वैलिड। 24 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाता है, फिर आपको नया जनरेट करना पड़ता है। तो इस PSID नंबर को आपने नोट कर लेना है। अब हम जाएंगे अपने मोबाइल पर और इजी पैसा को ओपन करेंगे। यहां पर मैं अपने इजी पैसा को साइन इन कर लेता हूं। तो दोस्तों यहां पर मेरा इजी पैसा ऐप जो है ओपन हो चुकी है और इसको मैं अगर स्क्रॉल डाउन करूं तो नीचे मुझे ऑप्शन मिलेगी बिल पेमेंट की, तो मैं बिल पेमेंट पे क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट पेज में मुझे ऑप्शन मिल रही है यहां पर गवर्नमेंट फी की। मैं गवर्नमेंट फी को ओपन कर लूंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वहां पर एक ऊपर आप देखें तो पंजाब और इस्लामाबाद लिखा है, तो मैं पंजाब को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद पंजाब व्हीकल टोकन टैक्स आप यहां पर देख सकते हैं, तो मैंने टोकन टैक्स पे करना है तो इस पर मैं क्लिक करूंगा। तो अब आप देखें कि एंटर 17 डिजिट PSID कोड नंबर, ये वही कोड है जो हमने वेबसाइट से लिया था, तो वो कोड अब हम यहां पर एंटर कर देंगे।
ये कोड हमने एंटर कर लिया है। इसके बाद सिंपल हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट करने के बाद हमें ये अमाउंट बता रहा है कि हमारे जो कार है उसका टोकन टैक्स इतना है 1530 है, और नीचे हमें पे नाउ की ऑप्शन मिल रही है, तो यहाँ पर हम पे नाउ पे क्लिक कर देंगे तो हमारा टोकन टैक्स जो कार का है वो पे हो जाएगा। अगर आप अपने टोकन को रिन्यूअल देखना चाहते हैं कि कब तक उसकी वैलिडिटी अपडेट हुई है, तो वो आप वापस ई पैक वेबसाइट पे जाकर सेम वैसे ही अपना कार्ड नंबर एंटर करें, रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करें, तो आपको साथ में वो आपके टोकन टैक्स की रसीद भी दे देगा, जिसके ऊपर आपके वो वैलिडिटी लिखी होगी कि आपका टोकन कहाँ तक ये रिन्यूअल हुआ है। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।